सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम का नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपके ऊपर बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि नहाने वाली चीज में ऐसा क्या डाला जाए जिससे आपके अंदर आकर्षण पैदा हो जाए, जो भी आपसे बात करे वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए। सभी लोग तो ये चाहते हैं कि हमसे लोग अट्रैक्ट हो, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आए और हमारे अंदर एक करिश्मेटिक एक ऑरा ऐसा जनरेट हो जाए जिसमें लोग जो है हमसे अट्रैक्ट होकर हमारे काम बनने लग जाए। हमारा जो है काम, आज हम काम पे जा रहे हैं तो काम हमारा हम कर, काम कर कर ही वापिस आए। तो कैसा एक ऐसा कोई, कई लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा यंत्र दे दीजिए, कोई ऐसा मंत्र दे दीजिए, कोई ऐसी चीजें दे दीजिए। ऐसी चीजें भी हम लोग देते हैं जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करती है। जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको कोई काम नहीं बनता है तो आप हमारा आदित्य कवच रखते हैं। आदित्य कवच से आपको बहुत बहुत बेनिफिट होता है। आदित्य कवच रखने से आपके सारे काम बनते हैं। और एक हमारी होती है चमत्कारी चाबी। वो चाबी रखने से तो ये लगा लीजिए कि आपका ब्रांड टॉप पे पहुंच जाएगा, या फिर वो जो चाबी होती है उसमें रिपीट लगी होती है, उसकी पूरी डिटेल आप ऑफिस से लीजिएगा। अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ये बात करने जा रही हूँ कि फ्री में क्या ऐसा किया जाए जो हम रोज कर सकें और इससे जिससे हमारा शरीर बिल्कुल निर्मल हो जाए, हमारी जो है सोल प्योर हो जाए, हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखर जाए और बहुत सारी चीजें आपकी जो है पॉजिटिव होती चली जाएंगी। क्योंकि आपका ऑरा, क्योंकि ये हमारा ऑरा नेगेटिव कैसे हो जाता है, कभी आपने सोचा है? जब आपके ग्रह नेगेटिव, आपको कोई गंदी महादशा लग गई, कोई गंदे ग्रह की महादशा लग गई। कई लोग तो मुझे कहते हैं कि हमारे तो राजयोगी, हमारे तो देखो किसी ने तो मैं कहा था राजयोग है आपकी पत्रिका में, तो राजयोग है, तो क्या हमारे तो राजयोग फलित ही नहीं हुए, हमें तो राजयोग वाला इफेक्ट ही नहीं आया। तो कई लोग मुझसे ये बात पूछते हैं, तो लेकिन मैं उनको ये बोलती हूँ कि कहते हैं कि राजयोग कब फलित होते हैं, जब आपको उन ग्रहों की दशाओं की जो है महादशा लग जाए, अंतरदशा लग जाए। कई लोगों को तो मैंने देखा कि उनकी जिंदगी जो है ना छठे भाव में ही घूम घूम के निकल जाती है। छठा भाव हमारा होता है रोग ऋण शत्रु का, तो वहां पर कई कभी उनको जो है ना छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, कभी उसकी महादशा लग गई, कभी दशनाथ की महादशा लग गई, छठे भाव के स्वामी की लग गई, कभी छठे भाव में बैठे हुए ग्रह की लग गई, उनके पूरी जिंदगी छठे भाव में घूम के निकल जाती है। कि यानी कर्जे 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 बीमारी, कर्जे 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 कर्जे, वो कर्जों से निकल ही नहीं पाते हैं, वो मरते दम पर भी कर्जों में ही वो डूबे रहते हैं। अब कर्जों में आप डूबे हुए हो, आप चाहते हो या कोई एक इंस्टेंट से कोई इफेक्टिव रिजल्ट मिले, कोई ऐसा उपाय करें, हमने बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी दिखा दिया, उनसे भी आपकी बात नहीं बन पाई और आपका काम जो है वो बन ही नहीं पा रहे हैं, बात आपकी हो ही नहीं पा रही है, आगे गाड़ी बढ़ ही नहीं पा रही है। तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप अपनी कुंडली पर चर्चा कीजिए, अपनी कुंडली का एनालाइजेशन करवाइए, उसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे ग्रह आपके खराब हो रहे हैं, कौन से ऐसे प्रॉब्लम आपको हो रही है जिससे आपको जो है दिन जिंदगी में परेशानी आ रही है। अब क्या होता है कि देखिए अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइजेशन कराते हैं तो हम आपको एक साल के उसमें उपाय देते हैं, लाइफ टाइम की प्रिडिक्शन देते हैं और आपको कुंडली भी जनरेट करके देते हैं, उसमें आपको 5 साल के उपाय भी मिल जाते हैं और पूरी पत्रिका पे बात भी हो जाती है। और एक हम ही ऐसे यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजर हैं जो पत्री बनाने पर आपसे बात भी करते हैं। पत्री भी नहीं बन के आती सिर्फ आपकी, आपकी हमारी पहले बात होती है फिर पत्री जाती है। ये हम ही एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं यूट्यूब पे, और जो सबसे ज्यादा आपको लाइव सेशन कितने सारे पूरे साल, 2 साल से हम आपको लाइव पे फ्री कुंडली डिस्कशन कर चुके हैं, ये भी हम ही हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि हम जब नहाते हैं तो नहाने वाले पानी में हम क्या, एक छोटी सी पोटली आपको बनानी है, वो नहाने वाले पानी में डाल के रखनी है। आजकल सर्दियां चल रही है तो गर्म पानी में आप डाल लीजिए ये पोटली, और अगर आप नहीं ऐसे नहीं कर सकते, पूरी बाल्टी में आपको नहीं भिगो के रखनी, तो एक जो आपका मग्गा होता है पानी का, जो आपका जो जिससे आप नहाते हैं डिब्बे से या फिर उससे जिससे भी आप नहाते हैं, तो उस नहाने एक पानी का एक मग्गा भर लीजिए और उसमें एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। सफेद रंग का कपड़ा लेना है आपने, उसमें दालचीनी डालनी है सफेद रंग के कपड़े में, एक हल्दी की गांठ बांधनी है और साथ में आपने 4-5 लेनी है लौंग, 5 लौंग ले लीजिए, दालचीनी के 2 पीस ले लीजिए और साथ में आपने लौंग लेनी है।
तो ये तीनों को मिलाकर आपने क्या करना है, एक हल्दी की गांठ भी उसमें डाल सकते हैं अगर आपका मन करे तो। और इसको, इस पानी को जो है ना, इस पोटली को, छोटी सी पोटली आपकी बन जाएगी, इसे आपने जो है क्या करना है, इसे आपने अपने वो डब्बे में डालकर आपने रख देनी है रात को। रात को सुबह तक उस पानी में पूरा असर इस पोटली का आ चुका होगा। वो पानी जो है आपने पोटली को रख दिया, इसे छाया में ही सुखा लीजिएगा, धूप में मत सुखाइएगा। और पोटली आपको एक टाइम पे बनानी है, तो आपको 7 दिन से ज्यादा इस पोटली को यूज नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है कि इस मग्गे को, जिस मग्गे में आपने, जिस उस डब्बे में आपने वो डाला था पानी, उस पानी को अपने पूरी बाल्टी में डाल लीजिए, उसके बाद और पानी भर लीजिए। इस पानी से आपने नहाना शुरू करना है। कम से कम अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 7 दिन तक तो आपने ये प्रयोग जरूर करना है। 7 डेज तक आपने ये जरूर प्रयोग करना है। एक ही पोटली को रीयूज 7 डेज तक करेंगे, दोबारा उसको यूज जो है वो नहीं करेंगे। ये कीजिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने दोबारा, अगर आपको ये उपाय से आपको अच्छा लगता है, आपको एनर्जी फील होती है, आपके काम बनने लगते हैं, तो आप इस पोटली को दोबारा बनाएंगे नेक्स्ट 7 डेज के बाद। और पोटली जो है ना, दिन के समय बनाइएगा। और जब पोटली बना रहे होंगे तो आपने 5 to 8 बोलते बोलते ये पोटली को बनाना है। अब ये 5 to 8 की एनर्जी क्या करेगी आपको, इस एनर्जी आपको मनी की एनर्जी आएगी, आपको हेल्थ की एनर्जी आएगी 5 to 8 के नंबर को चैंटिंग करने से। और जब आप इसे, फिर उसके बाद जब आप नहाएंगे, फिर जब आप नहाएंगे तो नहाते वक्त भी आपको 5 to 8 बोलना है। आप करके देखेंगे उपाय, चमत्कारी उपाय आपके लिए। ऐसा उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जीवन में चमत्कार को नमस्कार आप करेंगे और हमें थैंक यू लिखते लिखते आप जो है थक जाएंगे। तो दर्शकों, ये है बहुत ही चमत्कारी उपाय। बहुत सारे सेटिस्फाइड क्लाइंट्स को हम ये लोग करवा चुके हैं और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। करके देखें आप भी। आपके ऊपर कभी भी कोई भी राहु केतु और शनि की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपकी कुंडली के भावों को, आपको राहु की महादशा लगी हुई है, केतु की महादशा लगी हुई है, शनि की महादशा लगी हुई है, वो सबका असर नल एंड वॉइड कर देगा ये उपाय। राहु केतु शनि मंगल, चाहे आपका छठे भाव के ग्रह की दशा क्यों ना लगी हो, चाहे आपको 12वें भाव के ग्रह की दशा क्यों लगी हो, या 8ष्टम भाव के ग्रह की दशा क्यों लगी हो, सबके रिजल्ट को नल एंड वॉइड कर देगा और आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तभी तो हम आपको बार बार कहते हैं, कई लोग मुझे कहते हैं कि हमने तो भैया जो है ना नवग्रह की शांति करवाई थी तब भी हमें असर नहीं हुआ, हमने इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, तब भी असर नहीं आता है। देखिए, नवग्रहों की शांति करवा लेंगे तो नवग्रह के नवग्रह जब आप उनको सुला ही दोगे तो फिर वो क्या ग्रह करेंगे। शनि अगर आपको कोई रोग दे रहा है, अगर बृहस्पति आपको कोई बीमारी दे रहा है तो पैसा भी तो दे रहा है। बृहस्पति ऐसा ग्रह नहीं होता, अगर ये मानने पर आता ना तो शनि राहु केतु से ज्यादा खतरनाक है बृहस्पति। ये आपके जो कैंसर के सेल्स होते हैं ना, उनको इतनी जबरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई कर देता है जो राहु केतु शनि भी नहीं कर सकते। बृहस्पति जो है हमारे 9 ग्रहों में सबसे भारी ग्रह है और ब्रह्मांड के अंदर ये 9 ग्रहों में सबसे भारी और जो है बड़ा ग्रह है। और ये जो मल्टीप्लाई करने पर आता ना, तो आपके सुखों को मल्टीप्लाई करने में देर नहीं लगाता, आपके दुखों को मल्टीप्लाई करने में देर नहीं लगाता, आपकी बीमारी के सेल्स को, कैंसर के सेल्स को। अब बृहस्पति वक्री है और बृहस्पति आपका मार्केश है, बृहस्पति कुंडली में खराब है, बाधक है, पीड़ित है, बृहस्पति खराब है, बृहस्पति के पक्के घरों में 2, 5, 9, 11, 12 में कोई ग्रह खराब बैठा हो ना, दुश्मन बैठा हो, तो बृहस्पति ऐसी तैसी कर देता है। तो इस बृहस्पति के जो है ना, ये सुखों को मल्टीप्लाई करेगा तो सुखों को बढ़ाता जाएगा। इंसान कहेगा कि यार मेरे जीवन में कोई दुख तो है ही नहीं, और जब दुखों को बढ़ाने के लिए आएगा तो आपके जीवन के दुख इतने बढ़ा देगा और कैंसर के सेल्स को इतना बढ़ा देगा। तभी कैंसर के सेल्स वो क्यों मल्टीप्लाई होते हैं, 4 के 8, 8 के 12, 12 के 16, 16 के 21 कैसे होते हैं, वो इसी चक्कर में होते हैं कि राहु केतु ने तो बीमारी दे दी लेकिन उसको बढ़ाने का काम बृहस्पति का है। तो बृहस्पति को अच्छा करना बड़ा जरूरी है। खुश रहना चाहिए, खुश रहिए, और जो है लोगों को भूलना शुरू कर दीजिए, लोगों की बातों को दिल से निकालना शुरू कर दीजिए, आपका बृहस्पति अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपका मंगल अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लोगों की बातों को सोचते रहोगे, अरे यार मेरी सास ने मुझे ये कह दिया, आज तो इसने सास ने ये कह दिया, आज जिठानी ने ये कह दिया, आज दरानी ने ये कह दिया, आज नंद ने ये कह दिया, आज उसने ये कह दिया, आज पति ये बोल के चले गया। हम यही सोचने के लिए बैठे हैं कि हम इस जीवन में यही करने के लिए आए हैं। लिव इट एवरीथिंग, जो जिसने किया है उसके कर्म पर उसको छोड़ दीजिए, आप अपने कर्मों को ठीक रखिए,
आपका जीवन अच्छा हो जाए। अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, अपने कर्मों पे काम कीजिए, अपनी कुंडली पे काम कीजिए, आप इन सब चीजों को छोड़ना शुरू कर भूलना शुरू कर देंगे। और जब पैसा आएगा ना तो हर रिश्तेदारी आपके नीचे 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 होगी। और पैसा सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में। लोग कहते हैं ना पैसे से क्या होता है, पैसे से क्या होता है। बृहस्पति अच्छा हो तो पैसा ही पैसा आता है ऐसे व्यक्ति के पास में। पैसे गिनने का टाइम भी नहीं होता ऐसे लोगों के पास कि उनके पास कितना पैसा है, बैंक में कितना है, लॉकरों में कितना है, उनके पास टाइम ही नहीं होता जिनका बृहस्पति अच्छा हो जाता है। तो मैंने आपको ये बहुत बढ़िया उपाय दिया है, करके देखें। मेरा काम है आपको सही रास्ते पर लेके जाना, लेकिन मानना या ना मानना वो आपके ग्रहों पर निर्भर करता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक उपाय तो जरूर कीजिए ताकि आपका रास्ता खुले मेरे पास आने का और हमसे उपाय लेने का। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आके बोलते हैं कि हमने आपका एक उपाय किया, वो उपाय किया, उससे फर्क पड़ा, उससे फर्क पड़ा। तो जब आपको उन छोटे छोटे उपायों से फर्क पड़ता है तो आप अपने जब बड़े उपाय और अपनी जब कुंडली को ठीक करेंगे, अपने परमानेंट जो ग्रहों की शिफ्टिंग करवाएंगे, तो आपको कितना मजा आएगा और कितना आपको असर होगा। तो दर्शकों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर @ आदित्य कुंडली और फेसबुक पे आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर। राधे राधे।